नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। बांग्लादेश में जो हो रहा है ये तो हम सभी के सामने है, जहां पे एक रूलिंग गवर्नमेंट को बदल दिया जाता है और एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है और ये सारी चीज महज एक सप्ताह के भीतर ही हो जाता है। इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये रियलाइज तो हो रहा था कि इसके पीछे बाहरी ताकतों का हाथ है, जहां पे ये बात तो स्पष्ट था कि इस पूरे घटना के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ISI और वहां के मिलिट्री का बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के ISI या वहां के मिलिट्री का नहीं है, उससे कहीं बड़ा जो इन्वॉल्वमेंट है वो USA का रहा है, और जिसके बारे में शेख हसीना बहुत ही खुले तौर पे अब ये कही है कि अगर वो किसी भी तरीके से US गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट को मान लेती तो कहीं ना कहीं वो सत्ता में बने रहती और आज जो बांग्लादेश में घटना घट रहा ये कभी नहीं घटता। सो अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में समझना चाहें तो शेख हसीना कह रही है कि आज जो तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ है इसके पीछे USA का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। और वहीं पे अगर बात किया जाए US के बारे में तो US तख्ता पलट करने और करवाने में बहुत ही एक्सपर्ट है, जहां पे अगर रूलिंग गवर्नमेंट किसी भी तरीके से US का इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करते हैं तो US गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से नैरेटिव और प्रोपोगंडा रन करते हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं, जहां पे वो उस देश के लोगों को दिमाग में ये बैठा देते हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है ये कंप्लीट तरीके से डिक्टेटर है और इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में ह्यूमन राइट्स का कहीं से कोई रिस्पेक्ट नहीं है। एग्जैक्टली मोर और लेस कुछ इसी तरीके से पैटर्न जो है वो हमें देखने को मिला है बांग्लादेश में। और वहीं पे अगर बात किया जाए तो एग्जैक्टली USA को शेख हसीना से या बांग्लादेश से क्या चाहिए था, तो US इंटरेस्टेड था एक आइलैंड के पीछे जिस आइलैंड का नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। और इस आइलैंड के पीछे USA आज से नहीं, लगभग हम कह सकते हैं कि 20-22 साल से इंटरेस्टेड है। सबसे पहले आप मैप में देखते हैं कि आखिर में ये सेंट मार्टिन आइलैंड है क्या और एग्जैक्टली क्या इसका इंपॉर्टेंस है। सो अगर आप सेंट मार्टिन आइलैंड को अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा जो कि बहुत हद तक आपको म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर रीजन के आसपास आपको दिख रहा। जहां तक बात किया जाए सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में तो ये बहुत हद तक एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में, जहां पे बहुत बार म्यांमार इसको अपना रीजन के अंदर ही दिखाता है। लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से सेंट मार्टिन आइलैंड जो है वो बांग्लादेश के पास है। तो अगर मैं इस मैप को जूम आउट करता हूं तो आपको मालूम पड़ेगा कि अगर किसी भी तरीके से USA अपना यहां पे मिलिट्री बेस बना लेता है तो ये ऑलमोस्ट बे ऑफ बंगाल और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कवर कर लेगा। मतलब क्या हुआ, तो जो प्रेजेंट सिचुएशन हो रखा है उसके हिसाब से चाइना और USA के जो संबंध है वो बेहद खराब है। तो कहीं ना कहीं जब आपके किसी भी देश के साथ संबंध खराब होते हैं तो आप उनका सबसे जो कमजोर हिस्सा होता है उसको पकड़ना चाहते हैं। तो जो चाइना है उसका जो मेजॉरिटी ऑफ जो व्यापार होता है या जो उसके गुड्स एंड सर्विसेज जाते हैं वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए ही जाते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर US के फोर्सेस का सेंट मार्टिन आइलैंड के आसपास अगर उसका तैनाती रहता है तो कहीं ना कहीं वो इन सारे रीजन को कंट्रोल करेगा। ये तो रहा एक हिस्सा, लेकिन आप इस चीज को थोड़ा सा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और समझिए कि अगर किसी भी तरीके से US का यहाँ पे प्रेजेंस रहेगा तो क्या वो इंडिया के ऊपर नजर नहीं रखेगा? तो बिल्कुल रखेगा। भारत और US के संबंध कुछ बहुत अच्छे नहीं है, और जहां तक बात किया जाए USA का तो USA किसी का सगा नहीं है एक्सेप्ट इसराइल। और उसके बाद अगर किसी भी सिचुएशन में USA और चाइना अगर इस रीजन में लड़ता है तो कहीं ना कहीं जो उसका इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली भारत में देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से अभी तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ है तो बहुत बड़े पैमाने पे जो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज है, खास करके जो हिंदू है, वो भारत घुसने का अटेम्प्ट कर रहे हैं। जहां पे बात किया जाए भारत के बारे में तो हमारे पास अब उतना कैपेसिटी नहीं है कि हम लाखों लाख लोगों को भारत में अकोमोडेट करें। हमारा जो खुद का पॉपुलेशन है वो खुद ही बहुत हद तक अनमैनेजेबल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं घटना बांग्लादेश में हो रहा, लेकिन जो उसका भुगतान है वो कहीं ना कहीं भारत भी भर रहा। और वहीं पे अगर बात किया जाए तो इस चीज के बारे में चाइना को भी अंदाजा है कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का या ये सब जो रीजन है वो कहीं ना कहीं चाइना का चोक पॉइंट है। इसीलिए आपको न्यूज में ये देखने को मिलेगा कि बढ़ चढ़कर मालदीव्स हो गया या श्रीलंका हो गया या कहीं ना कहीं दिजिबुती हो गया, इन सब रीजन में चाइना का ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। और जब मैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट कह रहा हूं तो वहां पे चाइना के जो फोर्सेस है उनका डिप्लॉयमेंट है। तो US का जो नजर है वो एग्जैक्टली सेंट मार्टिन आइलैंड पे इसीलिए है ताकि वो किसी भी तरीके से चाइना को काउंटर कर सके। और साथ में अगर बात किया जाए तो इसी साल के मई जून के महीने में कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे जहां पे शेख हसीना ने ये क्लेम किया था कि उनसे कोई व्हाइट मैन मिलते हैं जो उनको ये प्रपोजल देता है कि अगर वो उनका आइडिया को मान लेते हैं तो जो चुनाव हुए थे बांग्लादेश में इस साल, उस चुनाव में वो शेख हसीना जीत जाएंगी। और वो व्हाइट मैन ये भी क्लेम करता है
कि पूरे प्रोसेस में वो लोग ये इंश्योर करेंगे कि शेख हसीना ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने रहे। उसके बदले में जो वो व्हाइट मैन क्लेम करता है वो ये करता है कि इस रीजन में वो कहीं ना कहीं एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने का प्रपोजल उनके सामने रखता है, जिसको कि साफ तरीके से शेख हसीना रिजेक्ट कर देती है। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं शेख हसीना का जो बिहेवियर था अपने ऑपोजिशंस को लेके वो काफी ब्रूटल था। और उसके बाद कहीं पे भी अगर कोई भी सरकार काफी लंबे दिनों तक सत्ता में रहते हैं तो उनके खिलाफ जो गुस्सा होता है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। और जो लेटेस्ट लास्ट नेल इन द कॉफिन बन के निकला था वो ये निकला था कि जिस तरीके से शेख हसीना ऑलमोस्ट 56% का रिजर्वेशन को दे रहे थे तो उसको लेके जो यंगस्टर्स थे वो काफी नाराज थे, जहां पे एग्जैक्टली जो 30% रिजर्वेशन था वो उनके लिए था जिनके किसी भी तरीके से जो ग्रैंडफादर्स थे वो 1971 के वॉर में पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़े थे, यानी कि थर्ड जनरेशन को रिजर्वेशन देने की बात की जा रही थी। वहीं पे अगर बात किया जाए जो प्रेजेंट सिचुएशन हो रखा है बांग्लादेश में, जहां पे हर 3 में से 2 लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जहां पे उनको रोजगार चाहिए और वो रोजगार शेख हसीना दे नहीं पा रही थी। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए वो भी नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स ये क्लेम करते हैं कि बहुत सारे स्पीचेस में शेख हसीना ने रजाकार करके बुलाया था उन सब लोगों को जो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब ये रजाकार का मतलब ये होता है कि 1971 में जब बांग्लादेश को लिबरेशन मिला था तो उसके पहले जो वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ उसमें कुछ ऐसे लोग थे बांग्लादेश में जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, तो रजाकार एज एन गाली का भी इस्तेमाल किया जाता है आज के डेट में बांग्लादेश में, जहां पे रेफरेंस दिया जाता है उन सब लोगों का जो किसी भी तरीके से पाकिस्तान सिंपेथाइजर है। तो इन सब स्टेटमेंट्स के बाद भी कहा जाता है कि बहुत सारे जो वायलेंस थे वो बढ़ गए थे और कहीं ना कहीं जो शेख हसीना थी उनके खिलाफ जो आक्रोश था वो भी काफी बढ़ गया था। और उसके बाद जब खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी तो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स है जहां पे ये बताया जा रहा कि कहीं ना कहीं खालिदा जिया काफी इंटरेस्टेड थी यूएसए को सेंट मार्टिन्स आइलैंड देने के लिए। और अगर आप आज के बारे में बात करें तो बढ़ चढ़कर खालिदा जिया या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है यूएसए के द्वारा, या यूं कह ले कि उन सभी देशों के द्वारा जो किसी भी तरीके से शेख हसीना के अगेंस्ट हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और जहां तक बात किया जाए तो 5 अगस्त को जब शेख हसीना भारत आई थी तो उसके पहले ये बांग्लादेश में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको ये एड्रेस करना चाह रही थी और कहीं ना कहीं जो यूएस का इन्वॉल्वमेंट है इस तख्ता पलट के पीछे इसके बारे में उनको बताने का मन था। लेकिन जिस हिसाब से बांग्लादेश की आर्मी इनको पुश करते हैं कि आपके पास बस 45 मिनट का टाइम है जहां पे आप देश छोड़ के जा सकते हैं, अगर आप इस बीच देश नहीं छोड़ेंगे तो जो भीड़ आ रही है आपके घर के तरफ वो आपको मार देंगे, तो कहीं ना कहीं जो यूएस का इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे तख्ता पलट में वो हमें साफ दिख रहा। और यहां से हमें ये बात भी मालूम पड़ता है कि अगर यूएस आपसे बहुत दूर है तब भी आपके लिए नुकसान है, और अगर यूएस किसी भी तरीके से आपके बहुत नजदीक आता है तब भी बहुत नुकसान है। और साथ में अगर बात किया जाए तो बहुत ही टारगेटेड तरीके से बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उनको मारा जा रहा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज बांग्लादेश में है वो अवामी लीग को सपोर्ट करते थे, और क्योंकि अवामी लीग अभी सत्ता में नहीं है तो इसीलिए इनको बहुत ही टारगेटेड तरीके से मारा जा रहा, जो कि किसी भी तरीके से सेंस नहीं बनता है। लीडर्स को तो मारा ही गया लेकिन वहां के जो कॉमन सिविलियंस थे उनको भी मारा गया, जिसको लेके हम बहुत हद तक कह सकते हैं कि मीडिया कवरेज तो हो रहा लेकिन यूएस या और भी ऐसे कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज के जो लीडर्स है वो ऑलमोस्ट खामोश बैठे हुए हैं। तो इस पूरे घटना से हमें एक चीज तो डेफिनेटली समझ में आता है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, हर देश के अपने इंटरेस्ट होते हैं, और अगर किसी भी तरीके से हमें अपनी सरकार से नाराजगी है तो उस कंडीशन में भी हम ये कोशिश करें कि किसी भी तरीके से कोई थर्ड पार्टी कंट्री को उसमें हिस्सेदारी ना दें। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।